हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिल शर्मा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारे फार्म में लास्ट हार्वेस्टिंग होने वाली है, तो आज के व्लॉग में मैं उसी को कवर करूँगा। फ्रेंड्स, फसल हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये गेहूं जो है, ये हाइब्रिड वैरायटी का गेहूं है। इसका नाम 303 है। फ्रेंड्स, इस बार गेहूं का रेट हाई रहने वाला है, क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश के कारण फसल को नुकसान हुआ है। तो देखते हैं अब किस रेट पे फसल की सेलिंग होती है। फ्रेंड्स, गेहूं की 303 वैरायटी जो होती है वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है, क्योंकि इसकी बाली बहुत लंबी होती है। फ्रेंड्स, इस बार हमारे कुछ खेतों में प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है, और यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी हूँ उस वाले फार्म पे प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ की फसल अच्छी है। फ्रेंड्स, गेहूँ की फसल में कम से कम 4 से 5 बार सिंचाई करनी पड़ती है, तब कहीं जाके फसल तैयार होती है। गेहूँ में खाद डालने की बात करें तो इसमें बुवाई के समय DAP का यूज़ किया जाता है, उसके बाद 2 से 3 बार यूरिया और जिंक सल्फर वगैरह का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, कुछ ही देर में हार्वेस्टर मशीन हार्वेस्टिंग के लिए आ जाएगी, तो उसे फिर आगे के व्लॉग में कवर करेंगे। तो चलिए खेत की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, इस साल के हमारे पूरे प्रोडक्शन की बात करें तो इस साल का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है, पर कोई बात नहीं, खेती में कभी कम कभी ज़्यादा प्रोडक्शन होता रहता है। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और कमेंट्स में अपने सजेशंस ज़रूर बताना। आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। Thank you.